एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, तो आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी मेंस के लिए काफी सारी कोचिंग है जिन्होंने अपने नोट्स अभी तक रिलीज किए हैं, जैसे आकार आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, महात्मा गांधी है, और भी बहुत सारी कोचिंग है जिन्होंने मेंस की कुछ यूनिट्स या काफी हद तक प्रॉपर यूनिट्स जो है वो रिलीज की हुई है, और उसी का जो अपडेटेड सिलेबस के साथ जो रिव्यू वीडियो है वो अब तक शेयर भी हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टडी माय वे चैनल पे जाकर उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स का रिव्यू देख सकते। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपने एमपीपीएससी मेंस की एक नई बुकलेट जो है उसको रिलीज किया है। इससे पहले भी उनकी बुकलेट्स आ चुकी हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले। बात करने वाले हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के बारे में। इन्होंने अपने एमपीपीएससी मेंस को लेकर एक और बुक जो है इससे पहले लॉन्च की थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ने अपनी एमपीपीएससी मेंस के लिए मध्य प्रदेश का भूगोल जो है उसकी बुक लॉन्च की है। इससे पहले एमपी की पॉलिटी की बुक भी उनकी आ चुकी है। आप चाहें तो उसकी डिटेल्स जो है वो आप प्रारंभ बुक्स गैलरी टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको सैंपल पीडीएफ और डिटेल्स जो है वहां पर मिल जाएगी। उसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। तो ये उन्होंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर वन है, बात करें एमपीपीएससी मेन सिलेबस में से आप कहाँ पढ़ोगे तो वो आपका है पेपर वन पार्ट बी और उसकी यूनिट फाइव। तो यूनिट फाइव के लिए उन्होंने ये बुक जो है रिलीज करी है। आप इसे डिटेल्ड में इसका सैम्पल पीडीएफ सारी चीजें जो है प्रारंभ बुक्स गैलरी के टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज हम डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कैसे अपने सिलेबस को, मतलब यूनिट फाइव का जो सिलेबस है उसको इसमें कवर किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट एंड पब्लिकेशन की। इन्होंने एमपीपीएससी मेंस को लेकर अपनी ये मध्य प्रदेश का भूगोल जो है बुक लॉन्च की है, जो कि आपको मिलेगी प्रश्न पेपर वन पार्ट बी और यूनिट फाइव के अंदर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने इंडेक्स की, ठीक है। तो इंडेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले नो दिया मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उसके बाद आएंगे तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां, उसके बाद इन मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतु, तापमान और वर्षा। तो ये सारा जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड है वो सभी आपको यहाँ पर टॉपिक्स विद सब टॉपिक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। डिटेल में आप देखना चाहें तो इसका सैंपल पीडीएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसका डिटेल सैंपल पीडीएफ जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट फाइव, ये आपके सिलेबस में क्या क्या जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन हुए हैं, और ये जो है उसी का डिटेल वर्जन है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है उसको देख लेते हैं। तो जैसे आप देख पाओगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने प्रेजेंट कैसे किया है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग जो है उसको दिया हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन दिया हुआ है। तो यहां पर आपको फ्लो चार्ट भी देखने को मिलेगा, साथ में मैप के थ्रू भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जहां तक मैं फॉन्ट और प्रिंट की बात समझ पा रही हूँ तो फॉन्ट और प्रिंट दोनों ही ठीक है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे, वो याद रख पाए, ठीक है। जैसे ये रीवा पन्ना का पठार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने पहले तो आपको समझाया है, उसके बाद उसका लोकेशन बताया है, प्लस यहाँ पर इन्होंने आपको मैप में जो डायरेक्शंस होते हैं उसके फॉर्म में भी बताया है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो बताया है। तो इससे क्या है कि आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा याद रहेंगी, तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो हम एग्जाम में कर लेते हैं, और आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी होती है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा फैक्ट होनी चाहिए। अब जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, ये मैप में बहुत सारा फैक्ट जो है यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है। ऐसे ही आपको भी अपने आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है कि आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहने की कोशिश करनी है और डायरेक्ट करना है, मतलब जो पूछा गया है उससे रिलेवेंट ही आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स अभी मिलेंगे। तो ये है आपकी फुल बुक, ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल जो है उसको कवर किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहां पर आप ये जो ब्लैंक कॉलम देख रहे हो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि
आपको और भी कुछ काम की बातें मिल रही हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है और ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो आपके पढ़ने के बाद ये प्रश्न जरूर से जरूर आपको सॉल्व करने हैं। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये बुक अच्छी है, आप पढ़ सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो। आई होप कि आपको आज का रिव्यू वीडियो समझ में आया होगा। इनकी आगे भी एमपीपीएससी मेंस को लेकर जो भी बुकलेट्स आएंगी उन सभी का रिव्यू वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप एमपीपीएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं और उसकी स्टडी मटेरियल को लेकर परेशान हैं या चाहते हैं कि जो भी मटेरियल हो वो आप तक पहुंचे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ।